नमस्कार जी, मैं चंडीगढ़ से गौरव बोल रहा हूँ। मेरे पास 100 शेयर हैं जाइडस लाइफ के 975 से। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम गाबा सर कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए क्योंकि इसका भी बायबैक आके जा चुका है, जहाँ अभी इसको अभी होल्ड ही करना चाहिए। गाबा सर, जाइडस लाइफ को होल्ड करना चाहिए और अभी भी मेरे ख्याल से 1000 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है यहाँ पर, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। आपका जो इवेंट था वो भी हो चुका, ये प्रॉफिट को बुक करने की जगह है। अगर आपको री एंटर करना है तो 750 के आसपास वो जगह सपोर्ट किए, क्योंकि इतना स्ट्रेच हो चुका है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत है। वो 750-800 के करीब है, वहां पर सपोर्ट है। अगर वहां पर मिलता है तो ऐड कर सकते हैं, या पर होल्ड करना है तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। अगर वहां पर एग्जिट करना है तो री एंटर करना है तो 800 के आसपास, लेकिन यहां पर थोड़ा रुकेगा। आपका टाइम फ्रेम क्या है मुझे पता नहीं, कंपनी अच्छी है लेकिन यस, टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, नथिंग टू वरी एक्चुअली, देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है। मैं तो गौरव जी तो 975 पे लेके बैठे हैं, तो फिर तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 20 रुपए नहीं, 20 रुपए लॉस है इनका। हाँ, बहुत गलत जगह पे लिया। मैं होता तो इसका अपमूव एडवांटेज लेकर निकल जाता। तो अभी 1000 के आसपास जाए तो बेच लें। बिल्कुल गौरव जी, सुन रहे हैं आप जी। मैं ये जानना चाहता हूँ फिर बेच के कौन सा फार्मा काउंटर गाबा जी रिकमेंड कर रहे हैं। गाबा जी, अदर देन जाइडस लाइफ दूसरा कोई स्टॉक फार्मा का? मुझे दिवीज और सिप्ला अच्छा लगता है फ्रॉम दैट एंगल, तो दिवीज देख लेता हूँ मैं चार्ट। दिवीज लाभ अच्छा लगता है, ट्रेड कर रहा है करीब 3712 पर, ये 5000 की तरफ जाएगा, 5000 पार कर लेगा इसको, तो दिवीज लाभ मुझे अच्छा लगता है। मैटर ऑफ टाइम, सेफ स्टॉक है। सिप्ला भी बुरा नहीं है, लेकिन सिप्ला का चार्ट निकाल लेता हूँ मैं। नहीं, दिवीज इज बेटर स्टॉक, तो फिर इससे निकल के डिवीज में जाइएगा गौरव जी आप, अगर आपको फार्मा में ही